written on the wall above the door of paradise in green and gold letters our redeemer on the day of judgment is muhammad arabi peace be upon him ali is my imam and i am ali's slave in the name of ali thousand of lives are ready to sacrifice Translation of Hazrat Amir Khusro's couplet from Mathematical Mysteries of Alphabets A book by Akhtar Mohid Al-Abidi Part 3 A'udhu <laughs> Billahi Minash बसमिल्लर अब मैं हज़रत मुत्तलिब अबरा के बारे में बयान करना चाहता हूँ हज़रत मुत्तलिब के ऊख अबरा की आर्मी ने ले गई थी अबरा शाही ख़ानदान का बादशाह था और नक्शा था इसलिए एल अरब इसको अबराशरम कहते थे अरबी में शर्म नके को कहते हैं इसकी हकूमत का आगाज 525 543 से होता है ये ईसाइत में बहुत पुरजोश था इसने बहुत से गिरजाघर तामीर कराए सबसे मशहूर कलीसा दारुलकूमत सना में तामीर कराया जिसको अरब अलकैस कहते हैं जो यूनानी लफ्ज़ कलीसा का मौरब है ये गिरजा फन तामीर के हिसाब से मिसाल था इसने ये तमन्ना ज़ाहिर की, की थी कि अहल अरब जो मक्के में हज करने जाते हैं और जमा होते हैं उन सबका रुख कलीसा की तरफ मोड़ दिया जाए और यही मुकाम हज बनाया जाए अहल अरब ने जब यह सुना तो सख्त बरहम हुए ये तारीख़ अरब में इस बात की शाहिद है कि तमाम मरब ख्वा किसी मजहब से हों काबे की बहुत ज़्यादा अजमत करते थे और अब भी इसी तरह है और क़यामत तक इसी तरह रहेगा अपने अकीदे के मुताबिक इस जगह का हज करना मुकद्दस फरीजा समझते थे यही वजह थी ख़ास काबे के अंदर अरब के मुख्तलिफ फ़िरक़ों और मज़बों के तीन सौ साठ बुतों के मुजसम नस्ब थे बहरहाल जब सफना में मुकम किसी हजाजी ने यह सुना कि उसने अब्रहा ने अलैस इसको इस नीयत से बनाया है तो उसको गुस्सा आया उसने एक शब में मौका पाकर इस कलीजा को नजिस कर दिया और सब जगह गंद फैला दी अब्रहा को जब ये मालूम हुआ तहकीक के बाद पता चला कि ये काम किसी इजाज़ी का है तो गु़स्से से बेकाबू हो गया और गिरजा की बेहरमती देख कर गैज़ गज़ब में पेचोताप खाने लगा और कसम खाई कि अब मैं इब्राहिम काबे को बर्बाद किए बग़ैर चैन से नहीं बैठूँगा ये इरादा करके अबरा लश्कर लश्कर जर्राल और हाथियों की एक तादाद साथ लेकर मक्के की जानब रवाना हुआ यह खबर तमाम अरब कबाइल में आग की तरह फैल गई तमाम अरब में से एक ही जान पैदा हो गया सबसे पहले यमन ही के, के एक अमीर जू नसर ने यमन से निकलकर अरब के मुख्तलिफ़ाइल के पास कासिद भेजे कि मैं अब्राहम का मुक़ाबला करना चाहता हूँ आपको चाहिए कि इसने एक मकसद में मेरा साथ दें चुनाचे आगे बढ़कर अबरा के मुकाबला आया उससे जंग की मगर शिकस्त हो गई जू नसर गिरफ्तार हो गया इसके बाद कुछ मुखालफों का मुकाबला हुआ वो भी वादी मुफत तक पहुँचने में नाकाम रहे आखिर ये कामयाब हो गया मुफस पहुँच कर ने एक हफ्जी फ़ौजी अफसर को जिसका नाम असूद बिन मकसूद था हुक्म दिया कि वो मक्के में जाकर छापा मारे असद जब मक्का पहुंचा, तो कुरैश और दूसरे कबाइल के ऊँट उं, ऊँटों और भेड़ बकरियों के रेवड़ को जो कसीर तादाद में थे चल रहे थे पकड़ कर अपने लश्कर में ले गया इसमें हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के दो सौ से ज़्यादा ऊक थे इस ज़माने में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के सरदार थे ये हालत देख कर क्रैश कलाना हजील और दीगर कबाइल से मशवरा किया कि अबरा का मुकाबला किस तरह किया जाए मशवरे के बाद ये तय पाया कि हमें ताकत नहीं इसलिए हम मक्का छोड़ के करीब की वादी में चले जाए पहाड़ियों पर चले जाएं अभी ये लोग मक्के ही में थे कि अब्राह की जानब से खवात अलहबीरी पहुंचा पहुँचा और दरियाफ़ किया कि मक्के का सरदार कौन है लोगों ने हज़रत मुत्तलिब बिन हाशिम की जानब इशारा किया खवा ने कहा मैं अब्राह की जानब से आया हूँ हमारे बादशाह का ये हुक्म है कि आप तक ये मुक़ाम पहुँचा दूँ पैगाम पहुँचा दूँ कि हमारा इरादा आप लोगों को बर्बाद करना नहीं न हम आपसे जंग चाहते हैं हम तो सिर्फ बैतुल्ला को गिराने के लिए आए हैं बस अगर तुम्हारा इरादा मुकाबले का हो तो तुम आ जाओ अगर हमारे इरादे में हायल ना हो तो हमारा बादशाह आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद है हज़रत अब्दुल मुतलिब ने जवाब दिया हमारा कतन इरादा नहीं कि हम तुम्हारे बादशाह का मुकाबला करें ना हमें हम ताकत है ये अल्लाह का घर है उसके बरगजीदा नबी इब्राहिम की यादगार है बस अगर अल्लाह इसकी हिफाजत करना चाहता है तो वो कर सकता है अगर इसकी हिफाजत मकसूद नहीं तो हम में क़वत मदाफत के काबिल पतन नहीं गर्जिश गुफगु के बाद हज़रत अब्दुलमतलिफ अब्रा के लश्कर में पहुँचे एक दरबारी की जानब से सिफ़ारिश तारफ़ पर उसके सामने ले गए हज़रत अब्दुलमतलफ बहुत शानदार लिबास में थे और वजी शक्ल और ख़ूबसूरत थे ये वो थे जिनका नसब नामा ऊपर से हज़रत इब्राहिम से मिलता था और हज़रत इब्राहिम की विरासत के निगेबान थे आपकी नसल से अल्लाह ताला का आखरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका नूर रज़ल से था और अब तक रहेगा यानी क़्यामत तक इसकी शान तहरीर में नहीं आ सकती गर्जी के अबराहा ने देखा तो इनके साथ इज्जत से पेश आया अपने बराबर में जगह दी गुफ्तु शुरू हुई तो आपकी खिदाबत फ़साहत बलागत देख कर अबरा बहुत मुतासर हुआ गुफ्तु जब मामले पर शुरू हुई तो हज़रत हज़रतमलब ने शिकायत की कि आपके सरदार मेरे ऊँट ले गए लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि मेरे हवाले कर दिया जाए अब ने सुना अब्दुल अब्बुलमतब मैं तो तुमको बहुत फहीम अकील अकलमंद समझता था लेकिन इस सवाल पर सख्त सख्तब हुआ तुमको मालूम है कि मैं काबे को गिराने के लिए आया हूँ तुम्हारी नज़र में सबसे ज़्यादा अज़मत वाला मुक़दस मुकाम है लेकिन तुमने उसके मुतल एक जुमला भी नहीं कहा और ऐसी छोटी हकीर चीज़ का ज़िक्र कर रहे हो हज़रत अब्दुलमतलिब ने जवाब दिया एशाह ये ऊँट मेरी मिल्कियत हैं इसलिए मैं इनके बारे में दरख्वास्त की और कहावा मेरा घर नहीं खुदा का मुकदस घर है और वही इसकी वा, का मुहाफ़ है मैं कौन हूँ जो इसके लिए सिफारिश करूँ अब्राह ने कहा अब इसको मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता हज़रत अब्दुल अब्दुलमतलीब ने जवाब दिया काबे का रब जाने यहाँ पर सिलसिला सिल को ख़त्म हो गया अब्राहा ने अपने लश्कर वालों को हुक्म दिया हज़रत अब्दुल मुतलिब के ऊँट वापस कर दिए जाएं हज़रत अब्दुल मुतलिब के हमरा बनी बकर का सरदार बिल नफाशा बिल हजील सरदार दाखला भी थे रवानगी से कबल उन्होंने अब्रा के सामने ये पेशकश की कि अगर काबे के इन दाम से बाज आ जाए तो हम तह का एक तिहाई माल आपकी खिदत में हाजिर कर देंगे मगर अब्राहा ने इस ताकत के नशे में इसको पेशकश को ठुकरा दिया और अपने इरादे पर अड़ा रहा जब ये लोग नाकाम वापस आ गए हज़रत अब्दुलमलफ वापिस आकर उैश और दूसरे कबाइल अरब को जमा किया और तमाम गुफ्तगु सुना कर आगा किया और मशरा दिया कि हम सब को करीब की पहाड़ियों में पनाह के लिए चले जाना चाहिए ताकि ये मंजर अपनी आँख से न देख सकें जब अहले मक् पहाड़ पर चढ़ने लगे तो हज़रत अब्दुलमतलफ़ की क़्यादत में काब के काब्ल में हाज़िर हुए उसकी जंजीर पकड़ कर बारगा लाई में हाज़िरी दी और दुआ मांगी उदाया हम इसके बारे में गमगीन नहीं है कि जब हम अपने माँ मुता की हिफाजत कर सकते हैं तो अपने मुता मुताबे की तुझको हिफाजत कर ज़रूर कर हिफाजत करनी है और तेरी तदबीर पर कोई गालिब नहीं आ सकता अगर अपने मुकद्दस घर को बर्बाद कर कर दे तो फिर हम कौन है तेरा जी चह सोकर इसके बाद हज़रत अब्दुल मुतलिब ने तवाफ़ कुरैश मक्का खाली कुरैश मक्का को ख़ाली करके करीब के पहाड़ों पर चले गए घाटियों में पना गजी होकर आलात का इंतज़ार करने लगे अगले दिन सुबह को जवाब ने अपना लश्कर मक्के की जानब बढ़ाया अगली कतारों में हाथी थे और इनके पीछे लश्कर जर्रार अभी तक ये लश्कर मक्के की तरफ नहीं पहुंचा कि अचानक परिंदों के गोल के गोल नमूदार हुए और लश्कर के पीछे सर पर फिजा में छा गए और एक बादल की तरह हो गया उनकी चोंचों और पंजों में संग्रेजे थे परिंदों ने इन संग्रेज़ों को लश्कर पर फेंकना शुरू कर दिया जिस शख्स को संगरे लगते थे उनके आर पार हो जाते थे और आजा गलने सड़ने लगते थे नतीजा ये निकला कि थोड़ी देर में सारा लश्कर जेरो ज़बर हो गया इन परिंदों ने सारे लश्कर को छलनी कर दिया मोहदी सिबिन अभी हतिम परिवहित अमीर नकल करते हैं और यह भी रिवायत है कि जब अब का लश्कर मक्के की जानब बढ़ा तो तेज हवा चलने लगी समंदर की जानब से और परिंदों का जबरदस्त गोल लश्करे पर छा गया परिंदे अपने परों को बंद कर किए हुए थे और उनके मुंह और पंजों में संगरेजे थे अवल तो आवाजें निकलती थी संग संगबारी के लश्कर को तहोबाला कर दिया कहते हैं अबर ने फौज को हुक्म दिया कि मक्के की तरफ बढ़े जब फौज मक्के की तरफ बढ़ी तो हाथियों की कतार में सबसे पहले एक हाथी ने जिस पर अब रहा सवार था आगे बढ़ने से इनकार कर दिया फील बान अगरचे उसकी अन, अनक्स पर अनक्स लगा रहा था जबान से भी चिल्ला रहा था मगर वो किसी तरह भी आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा था मगर जब इसको यमन की तरफ चलाते थे तो वो तेजी से के साथ चलने लगता था इस हालत में परिंदों के गोलों ने आ घेरा गोया कुदरत की जानिब से अब रहा के लिए ये, ये आखिरी तंबी थी वो अभी समझ जाए कि इसका ये इरादा बातिल है और अजम नापाक है इसकी ये जरूरत अल्लाह की ताकत को चैलेंज करे इसलिए उसको बाज़ आ जाना चाहिए था लेकिन इसकी बदबخت ने इसकी कोई परवाह न की और अपनी पादाश को पहुँच कर रहा रिवायत में यह है कि जब परिंदों की संग बारी से अब्रहा का लश्कर बर्बाद हो गया तो इसमें बाज़ आदमी बदहाली के साथ फरार होकर यमन पहुँचे इनमें अब्रहा की बड़ी बदहावासी को पहुँचा अब्रा भी बड़ी बदहवासी में पहुँचा और तमाम आजा गल सड़ चुके थे वो सिर्फ़ गोश्त का लोथड़ा नजर आ रहा था कुदरत ने जिस तरह फ़िर को गर्क किया और उसकी लाश को किनारे पर फेंक दिया और मिस्र के कब्तियों और दुनिया के लिए इबरत बनी इसी तरह यमन और रबिश के बाशिंदों के लिए अब्रा को इसी हालत में यमन पहुंचाया और ये गौर करें जिस शख्स ने अपनी मादी क़वत के गन पर अल्लाह की ताला की ताकत को चैलेंज किया था यानी ललकारा था आज कुदरत के ज़बरदस्त हाथों ने उसका यह हल कर दिया था आइंदा आने वालों के लिए इबरत की ऐसी दास्तान रहे कि जिसे पढ़कर लोग इबरत हासिल करें मक्के की जो इज्जत थी काबे की वजह से थी कुरैश का ख़ानदान जो कि तमाम तो अरब मजबी हुकूमत रखता था जिसकी वजह से कुरैश का खानदान हमसाया बल्कि आले अल्लाह यानी खानदान इलाही कहलाते थे इसकी यही वजह थी कि वो काबे के मुजाविर और कलीद बरदार थे और ये सिलसिला हज़रत इस्माइल से इनके ख़ानदान में था इसके ताल्लुक से उरेश का कारोबार ज़्यादा फैलता चला गया था महक में बड़े बड़े मुनासिब क़ायम किए गए ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की ने अपनी ज़िंदगी के दौरान पहले से ही किए थे जिनकी तफसील ये है सब इंतजाम हज़रत अब्दुल के मुत्तलिब के ज़माने में थे काबे की कलीद बर्दारी गरीब हिजाजों की खबरगिरी हिजाज के पानी पिलाने का इंतजाम खानदान हाशिम के पास हजरत अब्दुल के मुतलब के ज़माने से था खून बहा का फैसला अलमबरदारी सफीर होकर जाना जिन कबीलों में नजा पेश आए महल महकमा माल का इंतजाम Stay tuned for the next podcast.